जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उर्वरक एजेंसियों के साथ बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने इफको, क्रबको, यारा, आईपीएल आदि से उर्वरक की प्लानिंग और लक्ष्य के सापेक्ष विस्तार से बात की और निर्देशित किया कि किसानों को खरीफ सीजन में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखते हुए लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति सुनिश्चित करें। इफको द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि 200 टन प्रतिदिन वाईरोड आंवले से उर्वरक आता है, इफको की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनी रहेगी। क्रबको द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि 2700 मैट्रिक टन का प्लान है, 1269 मैट्रिक टन की रैक आ चुकी है, 20 जुलाई तक शेष उर्वरक की रैक आ जाएगी। जिलाधिकारी ने उर्वरक एजेंसियों को सचेत किया कि यूरिया के साथ किसी तरह की टैगिंग ना की जाए, यूरिया के साथ अनावश्यक उत्पाद उपलब्ध ना कराया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग और ओवर रेट बर्दाश्त नहीं होगा, उर्वरक की किसी तरह की कालाबाजारी ना हो इसको सुनिश्चित करें। चूंकि हमारी धान की रोपाई शुरू हो रही है और ऐसे में यूरिया की डिमांड और अन्य फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ हमारी बढ़ जाती है और बारिश भी शुरू हो गई है और मानसून इस समय भी समय से आ गया है और अच्छी बारिश हो रही है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में यूरिया की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि कांवड़ मास भी चल रहा है तो ट्रैफिक पे तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए आज बैठक बुलाई गई थी कि यूरिया की जनपद में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। अभी आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास यूरिया का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन हम लोग इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो कंपनी के लोग हैं, उनको इस बात के लिए भी निर्देश दिया गया है कि यूरिया के साथ किसी तरह की टैगिंग ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए और किसी भी दशा में ओवर रेटिंग अगर कोई करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और सभी कंपनियों के लोग और होलसेलर्स ने इस बात को आश्वस्त किया है कि इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे और जनपद में यूरिया की आपूर्ति बंद। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी, उर्वरक एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।